स्मार्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 360 ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग होल्डर। ये जो है 360 ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग होल्डर है और ये इसमें तमाम फीचर्स मौजूद हैं और ये एप्पल एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन पर दोनों पर काम करता है। ये बेसिकली है क्या चीज़, ये मैं आपको बता रहे जा रहा हूँ। बेसिकली ये चीज़ है कि ये देखें, पहले तो इसको ये देख लीजिए, ये इसका बैक हिस्सा ही इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं और ये मोबाइल को फिक्स करने का होल्डर है, ठीक है। और ये इस तरीके से भी आप मोबाइल को फिक्स कर सकते हैं, ये मूव भी करा सकते हैं, ये देखें, ये इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, ठीक है। ये देखें, ये इसका शेप है और ये इसके अंदर मोटर लगी हुई है और ये ब्लूटूथ वर्जन है और ब्लूटूथ से काम करता है। ये बेसिकली जो है ये आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होकर और आपके मोबाइल को जो है घुमाता है, यानी कि आप जब कैमरा ऑन करते हैं तो ये फेस ट्रैकिंग का काम करता है, यानी कि फेस को ट्रैक करता है और जहाँ जहाँ आप आपकी बॉडी मूव होती है या फेस मूव होता है तो वहाँ वहाँ जो है घूमना शुरू कर देता है ये कैमरा, यानी कि ये मोटर रोटेट करनी शुरू कर देती है, ये देखिए। अच्छा, अब इसमें पहले का जो वर्जन आता था वो यहाँ पर 3 सेल लगते थे, ये उसका अपग्रेड वर्जन है, ठीक है। ये बैटरी भी इसमें इंक्लूड है और इसमें चार्जिंग आप यहां से कर सकते हैं, ये चार्जिंग पिन है इसकी और ये बैटरी इंक्लूड है। अब इसका कनेक्ट करने का क्या तरीका है ये मैं आपको बता दूं। कनेक्ट करने का इसका थोड़ा सा टिपिकल तरीका, पहले FI जीनी का जो आता है वो भी इसमें देखें, इसमें FI जीनी कहीं नहीं लिखा हुआ, ये भी बेसिकली जो है FI जीनी का नहीं है ये, तो FI जीनी इस पे ऐप काम नहीं करती है। FI जीनी की ऐप सिर्फ FI जीनी अगर यहाँ लिखा होगा तो वही ऐप उसके ऊपर काम करेगी। तो जब मैंने इसको बाय किया तो जब मैंने FI जीनी की इसकी ऐप डाउनलोड कर ली तो ये काम नहीं कर रहा था, तो मैं समझ गया था इसके साथ कुछ और मामला करना पड़ेगा। ये देखिए, ये इसकी आती है कैटलॉग और इसके ऊपर ये दिया हुआ है बार कोड, ठीक है। ये बार कोड आप अपने स्कैनर से यानी कैमरे से बार कोड स्कैन से आप स्कैन करेंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। ये देखिए ये बार कोड स्कैन का आइकन आपको दिख रहा है, ऐप दिख रही है, ये आप क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको ऐप को स्कैन करना है, ये देखिए ये आ गई, ये लिंक आपको प्रोवाइड कर देता है, ये आपने इसके ऊपर जाना है ऐप के ऊपर। ये आपको कोई भी तरीका नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ तरीका, सब लोगों ने डेमो किया हुआ, लेकिन ये देखिए ये इसकी जो है ओरिजिनल ऐप है, तो नाम है आई फॉलो अप टू, तो यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो कुछ इस तरीके की ऐप होगी, ये देखिए आप कुछ इस तरीके की है, पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, पहले आपने इसको ऑन कर लेना है, ये देखिए, ये आपने इसको थोड़ी देर प्रेस करना है 2-3 सेकंड, ये देखिए ये ऑन हो गया। अब इसका आपको देखिए स्टेटस मैं आपको बताता हूँ इसका, ये देखिए जो ब्लिंक कर रही है ना लाइट, ये इस वक्त कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट की तब होगा ये जब स्टेग्नेंट हो जाएगी लाइट जो है ब्लिंक करना बंद कर देगी और यहाँ पे 7 वाली ब्लू लाइट जल जाएगी, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, समझ लीजिए अभी ये कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप देखिएगा इसका, यहाँ पे आप देखिएगा, अच्छा इसमें ब्लूटूथ जो ब्लूटूथ होता है, इसमें ब्लूटूथ आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इसी ऐप के साथ ब्लूटूथ खुद ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, बस आपने यहाँ पे चेक करना होता है कि ब्लूटूथ आपका यहाँ से ऑन है नहीं है, ठीक है, इधर नहीं जाना है आपने, ठीक है ना। अब ये देखिए आप यहाँ पे ये वाली ऐप हमने इंस्टॉल की थी, ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, ये इस तरीके की ऐप होगी, इस शेप की ऐप होगी, तो आपने यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए आप, ये बहुत सिंपल है, FI जीनी से भी सिंपल है, ये देखिए ये दोनों लाइटें इस वक्त जल चुकी हैं और ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल क्या करूँगा कि इस तरीके से इसको लगा लूँगा, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने लगा लिया इसको। अब आप देखिएगा कि ये देखिए ये मैं कैमरे पे चला जाता हूँ, इसको कंफर्म करना है आपने और स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है,
बैक कैमरा नहीं, मैं फ्रंट कैमरा ऑन करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया, आप ये देखिए मेरे साथ साथ मूव होगा, आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब आप ये देखिए, अब मैं इधर मूव होऊंगा तो आप ये देखिएगा ये मूव होना शुरू हो गया, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, अब इसको फिर मैं इधर मूव करूंगा तो आप ये देखिएगा, ये देखिए, तो ये जैसे जैसे आप मूवमेंट इसके साथ करते चले जाएंगे तो इस तरीके से ही मूव होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ये भी सेल फोन जो है, काफ़ी ओल्ड सेल फोन पे मैं डेमो करवा रहा हूँ आपको, ये मोटरोला का फ़ोन है। अब जो लेटेस्ट वर्जन फ़ोन के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो ये कैमरा जो है थोड़ा सा वो जर्क सा मार रहा है, इस वजह से सही मूवमेंट नहीं हो पा रही है। ये देखिए मैं मूवमेंट करता जा रहा हूँ, ये मेरे साथ साथ जो है मूव होता चला जा रहा है, जहाँ जहाँ मैं फेस को मूव कर रहा हूँ या बॉडी को मूव कर रहा हूँ तो ये साथ साथ मूव हो रहा है। साथ में कोई पर्सन नहीं है वीडियो बनाने का, तो आप इसको स्टैंड पे लगा के, ये देखिए स्टैंड पे भी लगा सकते हैं, ये देखिए आप, ये इसके अंदर दिया हुआ गोल सा, या आप जो रिंग लाइट वाला, इसके रिंग लाइट वाला जो स्टैंड होता है आपका, उस पर आप फिट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैंड है, इस पर फिट हो जाएगा, तो आप किसी भी जगह पे ले जाएं और कहीं भी आपने हिलती हुई मूवमेंट करती हुई वीडियोस बनानी है तो वो बहुत इजीली आप इससे मेक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इसमें एक फीचर है, आपने क्या करना है, इसको ऑन करना है, और ऑन करने के साथ इसके ऊपर एट सेम टाइम में आपने जल्दी से क्लिक करना है दो दफ़ा, तो ये इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि मोबाइल के जब डेमो हो रहे होते हैं तो ये घूमता रहता है मोबाइल, अक्सर आपने वहाँ बड़ी बड़ी शॉपों पे देखा होगा मोबाइल पे, तो वो पूरा इस तरीके से घूम रहा होता है, तो वो ये चीज़ इस पर लगा के घुमाया जाता है। इसके इसका दूसरा भी आता है वर्जन, वो खाली सिर्फ घुमाने के लिए होता है मोबाइल को, यानी कि चारों तरफ से व्यू दिखाने के लिए होता है मोबाइल का, तो इसको बंद करने का तरीका भी यही है कि आपने इस पर जल्दी से दो दफ़ा क्लिक करना है तो ये बंद हो जाएगा। अगर आपने ऑन करना है, इसका रोटेशन ऑन करनी है, तो इसको आपने इस तरीके से डबल क्लिक करना है, ठीक है, और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। पहले मैं इसकी रोटेशन ऑफ करता हूँ, ये ऑफ हो गया रोटेशन। तो ये मोबाइल डेमो में भी यूज किया जा सकता है, और मोबाइल डेमो में ये अच्छा फीचर्स इसके अंदर बिल्ट किया है कि आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, इसकी ऑटोमेटिकली रोटेशन इसकी जारी रहती है, और जब तक आप बटन स्टॉप नहीं करते जब तक इसकी रोटेशन स्टॉप नहीं होती। तो ये डेमो के लिए बहुत अच्छा वर्जन है, बहुत ज़बरदस्त वर्जन है इसके, इससे आप डेमो भी कर सकते हैं बहुत ईजीली तरीके। आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, साथ में दिए गए बैल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।